दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इस समय मैं हूँ जोगेड़ा गांव में, और मेरे साथ एक बोड़ी है जिनकी उम्र लगभग 100 साल से ऊपर है। बोड़ी, नमस्कार। नमस्कार, बोलो नमस्कार। क्या नाम है आपका? को थैला नाम, तुम्हारा थैला नाम। कदा उम्र हो गया आपका? को पता नहीं कदा उम्र, में पुराना आदमी देखे ना पड़े ना मैं जान देने छो। 100 साल से तो माता की वेली है। 100 साल से माता, 100 साल हुए गो लाके मात होए बोल। अब मिल क्या बोलो ने, मिल क्या बोलो नी तो जान देने छो। कुकुरिंदी आपा दगड़ दियालम है, दगड़म कुकुरिंदिया में दियाम। और कोई दगड़म हम यहां दगड़ देवो बोल थी। ऊं था जरा जरा पेंशन मिल दी थी है, वो भी वन थी जान में छो यो है। अरे वो भी एक गोर में जरा एक जगह हो जा खुद गा सके है। और तुम तभी मिलन पेंशन है ना है? ना पेंशन बिना राशन बिना, राशन भी नहीं मिलन ना। राशन कार्ड छी जा बगो ना? नहीं, हां राशन कार्ड से बॉडी राशन कार्ड में मेरा नाम है नन बारी को भी मिल। राशन किले नहीं मिलन तब? नहीं दे ना बने ये कि क्या आधार कार्ड नहीं। अच्छा, आधार कार्ड। हां तो जो लोग देखे, मतलब आजकल कोरोना महामारी चल रही है तो लोग बाग जगह जगह जाके राशन वितरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। कई सामाजिक संस्थाएं आ रही हैं, कई लोग बांट रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इस जो हम समाज सेवा कर रहे हैं, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में राशन की ज़रूरत है। राशन कार्ड देखे होते हुए भी राशन नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उम्र देखिए आप, मेरे सामने माता जी हैं, शायद 110 साल, जो मुझे गांव वालों ने बताया 110 साल के करीबन इनकी उम्र है इस समय। और ना इनको कोई पेंशन मिलती है, ना इनको कोई जो है राशन मिलता है। तो यही सच्चाई है उत्तराखंड की, यही सच्चाई है पहाड़ों की, कि आज भी इन पहाड़ों पर हमारे जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो सुनहरा युग, जो सपने उन्होंने सजाए थे, वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वृद्ध अवस्था में ऐसा दुख उन्हें झेलना पड़ेगा। तो बड़ी और क्या क्या समस्या थे आप थी? बस तो यही तो बोलन मिल, और क्या बोलन है। राशन भी नहीं मिले में था। खर्चा पैन कसके चलन दे? तक कहना खर्चा पैन ही वही देख दगड़ में बड़ी दगड़ छो, ये एक अलग से देख दगड़ में छो, वो था जरा थोड़ा बहुत पेंशन मिले थे वो हम के कर दो अपना। लड़का लड़का क्या कर दी है? लड़का लड़का तो फरीदाबाद रहे थे, फरीदाबाद। अरे एक महा चमर रहे, और वो भी मेरा लड़का खंडित होएगी। आओ तो दोस्तों, इस समय हम जोगेड़ा गांव में हैं, और अगर शासन प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है, एक वृद्ध माता की आवाज़ को सुन रहा है, तो ज़रूर इस पे संज्ञान लें। इस कोरोना महामारी, तो ये तो कोरोना महामारी की बात नहीं है, तो पूरे जीवन की बात है कि राशन ही उन्हें नहीं मिल रहा है। और पहाड़ों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता है, तो अब किसी को कहीं 5 किलो मिलता है, कहीं अलग अलग राशन डीलरों का भी अलग अलग हिसाब किताब मुझे देखने को मिला। कोई कुछ देता है, कोई पैसे भी अलग, सब जगह अलग अलग लेते हैं। लेकिन एक वृद्ध महिला जो इस समय 100 साल से ऊपर है, उनकी ना पेंशन है, जबकि इस समय उनकी चाहे विधवा पेंशन होनी चाहिए थी, चाहे वृद्धा पेंशन होनी चाहिए थी, कोई ना कोई एक पेंशन होनी चाहिए, तो वो अभी तक नहीं लगी है, ना ही राशन मिलता है। तो कैल कैल कोई प्रयास कार से राशन दिलाना का? डीडेड ने जदी हम डीडेड कैल पेंशन लगाना कोई प्रयास कार से? नहीं यार, तू बना कुछ नहीं, आधार कार्ड भी ना आज वो नाम बॉडी कागज मतलब राशन कार्ड। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का कैसे आधार कार्ड बनाया जा सके, क्योंकि ये इस समय धुमाकोट बिल्कुल बिल्कुल, तो धुमाकोट तक जाएं तो जाए कैसे? और सबसे बड़ी बात ये है कि जाएंगे भी तो वहाँ पे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पे आधार कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कभी महीनों भर तक जो है वहाँ पे बंद रहता है आधार कार्ड, जो सर्विस सेंटर वो बंद रहता है, कोई फिक्स नहीं है उसकी टाइमिंग की कब तक वो खुला रहेगा। तो लोग बाग परेशान तो वैसे ही, लेकिन खासकर ऐसे लोगों की मदद मुझे लगता है जरूर होनी चाहिए। और सरकार को परेशान देन, खर्चा परेशान देन, क्या करना? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो इस समय मैं जोगेड़ा गांव से हूं, और यहां के प्रतिनिधि, चाहे प्रधान, क्षेत्र पंचायत अगर देख रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख देख रहे हैं, विधायक साहब देख रहे हैं, सांसद साहब देख रहे हैं, तो जरूर एक बार ऐसे लोगों की, माता जी की जरूर मदद करें। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।